अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाऊंगी नरम लेमन सिरप केक। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने वाइट शुगर ली है 3 आउंस यानी हाफ कप से थोड़ा सा कम, 1.5 कप मैदा लिया है, आइसिंग शुगर लिया है मैंने 4 आउंस, 3 आउंस मैंने ब्राउन शुगर ली है, 3 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और हाफ कप घी लिया है, लीमू की स्किन ली है मैंने 1/2 टीस्पून और 2 टीस्पून मैंने लेमन का जो सिरप लिया है और 2 अंडे लिए हैं। सबसे पहले एक बाउल में घी ऐड कर देंगे, साथ ही वाइट शुगर और ब्राउन शुगर भी। इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे जब तक ये क्रीमी नहीं हो जाता। ये अच्छी तरह से बीट हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके अंडा ऐड करती जाऊंगी। दूसरा अंडा भी ऐड करके इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा भी ऐड करते जाएंगे। तो अब हम सारा ऐड कर देंगे। मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। मैं इसमें लेमन के स्किन जो हमने उतारी थी वो ऐड कर दूंगी। इसे बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, बस सिर्फ मिक्स करना है। ज़्यादा से बीट करने से पूरे केक का टेक्सचर कड़वा हो जाता है। 8 इंच का गोल सांचा लेंगे और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह। और इसमें सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। और इसे लेवल कर लेंगे। अब इसे 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए हमने बेक कर लेना है। आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसे मैं 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए लगा रही हूँ। सो अब हम चेक करते हैं। एक टूथपिक लें और इसे केक के दरमियान में डालें। अगर साफ़ निकले तो हमारा केक रेडी है। तो इसे अब निकाल लूँगी और कूलिंग रैक पे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब इसके ऊपर हम लेमन सिरप ऐड कर देंगे। लेमन जूस हो या लेमन सिरप, अच्छी तरह से हम इसे ब्रश कर लेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसको कट कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बना है,
बहुत ही मज़े का बना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।